जय हिंद जय भारत दोस्तों, ER.MTS क्लासेस में हम सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और प्यार इस चैनल पर बनाए रखें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाइए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो अब ज़्यादा बात ना करते हुए दोस्तों, जब आज जिस चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं, वो आपका जो टॉपिक है, वो एक्चुअली हम बहुत दिनों बाद ब्लैकबोर्ड पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास, जो आपके लिए बहुत ही आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, महत्वपूर्ण होगी। तो दोस्तों, जो आज हम बात करेंगे, वो हम बेसिकली जो बात करेंगे, वो हम आज बात करेंगे त्वरण के बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में, और बात करें किसके, स्पीड के बारे में। तो एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। जब कोई, जैसे ये गाड़ी है, ये जा रही थी रोड पे, तो इसकी स्पीड आप कुछ और है, फिर कुछ समय बाद क्या हुआ, इसकी स्पीड बदल गई। तो ये क्या होता है, उसकी गति में चेंज हो रहा है, उसकी मोशन में क्या परिवर्तन हो रहा है। तो इसको क्या बोल रहे हैं, उसकी गति में चेंज होना या उसके मोशन में परिवर्तन होना समय के साथ, यही उसका क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है, जिसको इंग्लिश में हम एक्सीलरेशन बोलते हैं। अब बात जहाँ पर त्वरण की आ जाती है, तो बात ऐसा नहीं हो सकता है कि वेग और हम चाल की बात करें, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है ना। कोई डिस्टेंस किसी समय में चली गई, वही उसकी चाल हो जाती है। लेकिन चाल क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि जो वेग की बात करते हैं वो आपकी क्या है, वेग आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि चाल आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। एट ए पर्टिकुलर टाइम पर उसकी स्पीड क्या होती है, बदलती रहती है, चेंज होती रहती है। जैसे कोई एक पहिया है ना, तो उसकी गति हर एक पॉइंट पे क्या हो, बदलती रहती है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट था त्वरण वेलोसिटी। बहुत ही संक्षिप्त में समझाने की कोशिश की, और बहुत अच्छी तरीके से, और बहुत अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। फिर भी अगर जो कोई कमी रह गई हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिएगा दोस्तों। इसी तरीके से आप अपना सहयोग और प्यार बनाए रखिए, और पढ़ते रहिए, और हिम्मत रखिए, विश्वास रखिए, दृढ़ संकल्प रखिए, कामयाबी जरूर मिलेगी दोस्तों। जय हिंद जय भारत दोस्तों।